नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहोत हैदराबाद शहरातील रामोजी फिल्म सिटी मध्ये। त्याला पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हटलं जातं असं एक कृत्रिम मानवनिर्मित शहर आज आपण पाहायला हैदराबाद या शहरालगत आलेलो आहोत। जवळपास हैदराबाद पासून 38 किलोमीटर अंतरावर वसलेलं हे छोटंसं शहर म्हणून आपण याला आज आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। आपण आता निघालेलो आहोत तिकीट बुकिंग काउंटरकडे। आपण पाहू शकता हा रस्ता आणि रस्त्याच्या कडेला असलेली रंगीबिरंगी फुलांची झाडं, खूप सुंदर असं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळेल। रस्ते खूप प्रशस्त आणि सुंदर आहेत। आपण पाहू शकता आपण आता तिकीट बुकिंग काउंटरकडे निघालेलो आहोत। या ठिकाणी आपल्याला आपली गाडी पार्क करून मगच आपल्याला बसनं फिल्म सिटी पाहण्यासाठी येता येईल। पाहू शकताय की खूप सुंदर असं या ठिकाणी चित्र आपल्याला पाहायला मिळते, खूप निसर्गरम्य परिसर पाहायला मिळतो। मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी रामोजी फिल्म सिटी या ठिकाणी आलेलो आहोत। 1996 मध्ये रामोजी राव यांनी या फिल्म स्टुडिओची निर्मिती केली होती। पर्यटन क्षेत्र पर्यटनस्थळसुद्धा आहे आणि विविध या ठिकाणी फिल्म स्टुडिओज आहेत। विविध चित्रपटांची शूटिंग या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे आणि जवळपास 2500 एकर एवढ्या परिसरामध्ये पसरलेला हा संपूर्ण परिसर आज आपण अनुभवणार आहोत। आणि या ठिकाणी आपल्याला काही खूप चांगलं असं पाहायला मिळणार आहे, अनुभवायला मिळणार आहे। तर आता आपण तिकीट बुकिंग काउंटरकडे जाऊया आणि त्यानंतर आपल्याला रामोजी फिल्म सिटी यांच्या बसमधून आपल्याला फिल्म सिटीमध्ये जाता येईल। चला आपण तर मित्रांनो, आत्ताच आम्ही तिकीट घेतलेलं आहे। तिकीट जवळपास प्रौढ व्यक्तीसाठी 1475 रुपये तिकीट आहे आणि मुलांसाठी 1239 रुपये तिकीट आहे। आत्ताच आम्ही तिकीट काढलेलं आहे। आता आपण जात आहोत चेक इन करण्यासाठी। इथूनच एंट्री आहे आणि या ठिकाणी एंट्री केल्यानंतर आपल्याला बसनं रामोजी फिल्म सिटीमध्ये या ठिकाणी नेलं जाणार आहे। चला तर जाऊया मग। तर या ठिकाणी पाहू शकताय मित्रांनो, खूप सुंदर असं या ठिकाणी हे शहर वसलेलं आहे हैदराबादमध्ये। खूपच सुंदर, अतिशय सुंदर असं हे ठिकाण आहे। सोहम पण आहे बसलेला। सोहम कसं वाटते सिटी? अरे सिटी कशी वाटते तुला ही? अरे स्वर्गासारखी वाटते का नाही? हा सुंदर
ओके शुभमला विचारा, शुभम कशी वाटते सिटी? चांगली चांगली आहे सिटी. ओके नमस्कार नमस्कार. रामजू फिल्म सिटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मेरा नाम सचिन और मैं आपका टूर एस्कॉर्ट. लुक एट राइट साइड, आपके राइट साइड में देखिए. सो दिस प्लेस नेम इज यूरेका, आवर टूर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. ये जगह का नाम है यूरेका, हमारा टूर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रहेगा. और उसी बगल में देखिए ब्लू कलर का जो फेंस दिख रहा है वो है फंडोस्ता, बच्चों का थीम पार्क है. और आपके लेफ्ट साइड में देखिए रामोजी मूवी मैजिक. यहाँ पे आप लोग तीन शो देख पाएंगे, एक्शन थिएटर, फिल्मी दुनिया और रामोजी टावर. 3:30 बजे तक खुला रहेगा. हमारा पूरा टूर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बस ड्रॉप किया जाएगा आपको. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ब्यूटीफुल गार्डन सेटिंग्स, फाउंटेन्स एंड बो वेली सेट. सब लोग रेडी हो आप लोग? यस यस वी आर रेडी सर. लुक एट राइट साइड, आपके राइट साइड में देखिए, राइट साइड छोड़ेंगे सो दिस इज मुगल गार्डन. ये है मुगल गार्डन. बाहर से देखें तो दिल्ली मुगल गार्डन जैसा दिखेगा और अंदर से ये मैसूर वृंदावन गार्डन जैसा दिखेगा. दिस इज टू इन वन गार्डन. यहाँ पे ज्यादा करके इवेंट्स और मैरिज पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दिल्ली और मैसूर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही जगह देख सकते हैं पैलेस को. जोधा अकबर मूवी देखा आपने? जी जी. यही है ऋतिक रोशन का पैलेस. और आपके लेफ्ट साइड पे देखिए ये है सिहारा गार्डन. लेफ्ट साइड चलेंगे सिहारा गार्डन. तो इट इज फेमस फॉर ग्रुप सॉन्ग से रोमांटिक सॉन्ग. और इसी गार्डन में नाची है हमारी विद्या बालन वो लाला उलाला करके. राइट साइड में देखिए एंजल फाउंटेन, सबसे ऊंचा फाउंटेन है हमारे रामोजी फिल्म सिटी में. और इसके ऊपर है ग्रीक आर्किटेक्चर डिजाइन. और राइट साइड में देखिए अम्ब्रेला गार्डन. मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा तुम्हारा फाड़ के. अनारी नंबर वन में देख सकते हैं गोयनका जी ने तो पूरा सत्यानाश किया था गार्डन को. लेफ्ट साइड में देखिए लेफ्ट साइड चूडी लेक गार्डन. अखंड सिनेमा चूडी लेक गार्डन नहीं. और उसी बगल में देखिए ऊपर हार्ट बीट गार्डन. देखिए इस तरफ नजर आ रही है हार्ट बीट गार्डन है ये. तो यहाँ पे ज्यादा करके लव प्रपोज सीन के इस्तेमाल करते हैं मूवीज में. और नीचे देखिए राइट साइड में अरिजोना गार्डन. और ये जो गार्डन है लव फेलू का गार्डन है ये. सो दैट इज लव फेलू गार्डन. अगर लव सक्सेस हो गया तो आपके लेफ्ट साइड में देखिए फैमिली गार्डन है. यहाँ पे टोटली वी हैव 124 गार्डन इन रामोजी फिल्म सिटी. करीबन यहाँ पे 124 गार्डन है हमारे फिल्म सिटी में. और आपके लेफ्ट साइड में देखिए मैन थिंकिंग गार्डन. ये जो गार्डन है सोचने वाला गार्डन है. और ज्यादा सोचने से ऐसी हालत हो जाएगी हमारी भी. एक बार नजर डालिए स्टैचू के ऊपर. लुक एट राइट साइड में, राइट साइड चुड़ेंगे लैम लाइट गार्डन. कॉर्पोरेट इवेंट्स, मैरिज पार्टी, सिनी आवर फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रॉकस्टार मूवी में देख सकते हैं यहाँ पे गाना शूट हुआ था ओ नादान परिंदे. दिलवाले और आशिकी 2 में देख सकते हैं इसे. और आपके लेफ्ट साइड पर ना चुड़ेंगी हवा महल. ऊपर देख सकते हैं आप लोग छोटा सा जयपुर का हवा महल है. रामोजी फिल्म सिटी का एंटर व्यू पॉइंट. 75% आप लोग पूरा फिल्म सिटी देख पाएंगे. तेलुगु फेमस मूवी स्वागतम. ये सपना लोकला सोन राजपाड़े के सुचेत्र जी. आइया मूवी में देख सकते हैं रानी मुखर्जी का गाना शूट हुआ था ड्रीम ऑन मेकअप एम सॉन्ग. और ये देखिए राइट साइड में दिव्याली गार्डन. और आपके सामने देखिए मुनिक चुरेंडी केरला पॉन्ग स्ट्रीट. हम तो केरला में नहीं है, रामोजी फिल्म सिटी में है. ये तो केरला का पॉन्ग स्ट्रीट है. बहुत सारे मूवीज में स्कूल एंट्रेंस कॉलेज एंट्रेंस जैसा दिखाते हैं. सारा सिनेमा स्कूल एंट्रेंस कॉलेज एंट्रेंस लगा चुपिस रानी बैठे. और आपके लेफ्ट साइड में देखिए लेफ्ट साइड चुरेंडी चरिश्मा गार्डन. करिश्मा नहीं है, सिर्फ चरिश्मा ही है ये. और इस गार्डन की खासियत ये है कि हीरोनी जो रंग की साड़ी पहनती है उसी रंग का फूल इसमें सजाया जाता है. जैसे कि रेड साड़ी रेड फ्लावर्स. आजकल तो हीरोनी साड़ी पहनना बंद कर दिया इसलिए यहाँ पे ऑर्डर नहीं आ रहा है. ड्यूरिंग शूटिंग टाइम हीरो एंड हीरोनी बीच कलर कॉस्ट्यूम दे हुए सेम कलर फ्लावर डेकोरेट किया. एग्जाम्पल रेड साड़ी एंड रेड फ्लावर्स. और उसी बगल में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं साउंड प्रूफ जनरेटर्स. ऑटो शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शूटिंग के समय क्योंकि ये पावर सप्लाई देता है. और आपके सामने देखिए मुदु चुरेंडी जब फाउंटेन.
इतना बड़ा जगह तो नहीं देखे होंगे, पहली बार देख रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी में। और इसके ऊपर देखिए रोमन आर्किटेक्ट डिजाइन, इस थ्री मूवी में देख सकते हैं जग को हटा के ऋतिक रोशन का स्टैचू लगाया था। और उसी बगल में चुनेंगे राइट साइड एम पी बिल्डिंग, वहाँ पे मिलता है पार्लियामेंट एंड सॉल्ट मल्टीपर्पज बिल्डिंग, फेमस तेलुगु मूवी चंद्रमुखी की एक स्ट्रॉन्ग लगा लगा बिल्डिंग, और ज़्यादा लगा लगा करने से चंद्रमुखी भारत गई सरकार राज वंशन में आदुता कभी भी होता है, ये कभी कोर्ट बन जाता है, कभी स्कूल बन जाता है, कभी फंक्शन हॉल बन जाता है। ये विपुल आर मूवी देखे होंगे आप लोग, पूछा ना विपुल आर कोर्ट जैसा दिखाया है उस बिल्डिंग को। और आपके राइट साइड में देखिए राइट साइड चुनेंगे गॉडलेस टेम्पल, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी सभी लोग देखे होंगे आप लोग, हमारे शाहरुख खान साहब ने दीपिका को गोद में उठा के 300 चप्पल दिए, तो एक बार मीनामा टेम्पल इन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी। हमारे फिल्म सिटी में मंदिर एक ही है लेकिन यहाँ पे भगवान चेंज होते हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्टर साथ ही आता है और डायरेक्टर साथ ही चले जाता है शूटिंग के समय। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी नॉर्थ इंडियन लोकेशन, लेट्स सी चुनेंगे नॉर्थ इंडियन लोकेशन। जनता क्या है सिनेमा का चुनेंगे जूनियर एस डी आर फाइव थी भीमला नायक, भीम भीम भीमला नायक यहाँ पर देख रहे शूट से चलो। और आपके सामने देखिए फतेहपुर का सिकरी बुलंद दरवाजा है ये, और इतना बुलंद है चार लोग जाके धक्का मारो ना गिर जाएगा ये। So look at this place, you can see this place as a market and in many movies. वो सारे movies में market जैसा दिखाते हैं। और आगे देखिए मुंडू चुड़ैली स्ट्रीट गेट पे आप मुंबई एंड लेफ्ट साइड आगरा ताजमहल, मुंबई टू आगरा ओनली 2 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस। और राइट साइड पे देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शूटिंग समय में पूरा शॉप को डेकोरेशन किया जाता है, 365 days बंद ही रहता है ये। शाहरुख खान का फेमस मूवी रब ने बना दी जोड़ी और कंगूबाई कातेवाड़ी में देख सकते शीला मौसी का घर होता है ऊपर, बंगाली टिपिकल हाउस है वो, ज़्यादा करके उड़ी और बंगाली मूवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपके लेफ्ट साइड में देखिए हमारे चेयरमैन साहब का ये बंगला है ऊपर, हमारे रामोजी राव का घर है ऊपर। और आपके राइट साइड में देखिए लेडीज सेंट्रल जेल, अगर लेडीज अंदर गए तो बुलाए तो भी बाहर नहीं आती है, ऐसा क्या हो सकता है अंदर इसको पता है नहीं, के अंदर है ब्यूटी पार्लर। अरे जो भी आपके पास गिफ्टी सामान है थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि ये जो एरिया दिख रहा है ना मुंबई का चोर बाजार है ये। अच्छा, बड़े मियां छोटे मियां मूवी में देख सकते हैं शराफत अली का ये चोर बाजार होता है, चेन्नई एक्सप्रेस में देख सकते हैं ये है मीनामा का गाँव, तेलुगु फेमस मूवी गब्बर सिंह पवन कल्याण फाइट सीन और बार बोले शूट चेसे आकाश अम्मा इनसे नीला होते हैं। राइट साइड पे देखिए सिंगर ब्रिकर्स नहीं अजय देवगन का पुलिस स्टेशन होता है, गब्बर सिंह सिनेमा को पवन कल्याण पुलिस स्टेशन। और ये जो है पूरा साउथ इंडियन लोकेशन, यहाँ पे तेलुगु कन्नड़ मलयालम मूवी शूट किया जाता है। और आपके सामने देखिए गाँव का सेट, लेफ्ट साइड में देखिए चंद्रमुखी सिनेमा लो मास्टर हाउस, नायक पिक्चर में रानी मुखर्जी का मांडवा हाउस, एक दिन का सीएम। और ये देखिए दोनों तरफ गाँव का सेट है ये, दोनों भी मूवी सभी लोग देखे होंगे आप लोग, मूवी देखा है तो इस लोकेशन देख सकते हैं, इस मूवी में गांव का सेट ही है। हमारे डायरेक्टर साहब सिर्फ फ्रंट लोकेशन शूट करते हैं, आगे इतना सुंदर घर है, एक बार डोर खोल के अंदर जाएंगे तो जंगल में जाके पड़ेंगे, एक बार नजर डालिए पीछे देखिए पूरा जंगल ही है। और आपके राइट साइड में देखिए बड़े बड़े जो बिल्डिंग दिख रहे हैं आपको, हमारे फिल्म सिटी के मेन ऑफिस ऑफिस बिल्डिंग है, उसके बगल में देखिए जी टी वी भारत, ये जो बिल्डिंग है चैनल बिल्डिंग है, सभी देखते होंगे आप लोग न्यूज पूरा यहीं से टेलीकास्ट होता है ये, ज़्यादा ध्यान से मत देखिए ओरिजिनल ही है वो। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट रामोजी फिल्म सिटी, अवर चेयरमैन सर मिस्टर रामोजी राव गारू, दिस लैंड वाज परचेज्ड इन 1991 एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1992 अमंग द फर्स्ट फिल्म शूट हियर वेर तेलुगु मूवी महारानो की पहली, हिंदी मूवी बड़े मियां छोटे मियां, इंग्लिश मूवी द नाइट फॉल। रामोजी फिल्म सिटी टोटल लैंड 1,666 acres, रामोजी फिल्म सिटी टोटल एम्प्लॉय 4,500, रामोजी फिल्म सिटी आर्ट डायरेक्टर मिस्टर नितेश रॉय इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अभी तक रामोजी फिल्म सिटी में 2,000 से भी ज़्यादा मूवी शूट हुआ है ऑल लैंग्वेजेस। एंड लुक एट राइट साइड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से बहुत सारे कपूर हनीमून के लिए गए लेकिन वापस नहीं आए। रावण मूवी में देख सकते हैं शाहरुख खान का फाइट सीन, रेबल सिनेमा को चुड़े चलती प्रभास फाइट सीन, डॉन सिनेमा कंत्री इसके सिनेमा लोग का चुड़े चलती लोकेशन। तो लुक एट राइट साइड अगेन, दिस इज कॉफी शॉप, द
but there is no coffee inside this coffee shop. Singham Designs में करीना कपूर का ब्यूटी पार्लर होता है ये बद्री सिंह मालो पवन कलर फैशन डिजाइनर ऑफिस. So this is coffee shop 2-in-1 set. So now we are going to see small shooting floors. Look at right hand side. आपके राइट हैंड में देखिए ये है स्मॉल शूटिंग फ्लोर्स. इसके अंदर परमानेंट सेट होता है किचन बेडरूम हॉल वॉशरूम सब कुछ. तो हमारे यहाँ पे सब 50% मूवी इसी फ्लोर के अंदर कंप्लीट करते हैं. ई टी वी सीरियल कौन यूज है सर हमारे फ्लोर में तेलुगु फेमस मूवी अरुंधति. अरुंधति सिनेमा इंग्लिश मुझे ये फ्लोर में अरुंधति जो मूवी है फेमस मूवी है इसी फ्लोर के अंदर कम्प्लीट हुआ है. और ये सभी जो है परमानेंट स्ट्रक्चर है और एक एक फ्लोर का एक एक नाम होता है. एन टी रामाराव फ्लोर है दादा साहब खालके का फ्लोर है ये. तो ये सभी परमानेंट है आपके. तो सबके पास वीजा पासपोर्ट है? हाँ हाँ है. नहीं है? हाय 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 हाय. बिना पासपोर्ट के है लेकिन घर पे आ चुके हैं लंदन सिटी में. लंदन वाओ. तो सभी को स्वागत है. वेलकम टू लंदन सिटी. व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी. ओके राइट साइड ये है गोलमाल्री. ऑल द बेस्ट मूवी में देख सकते हैं वसुनी भाई और जानजोर का आता. तो सभी लोग यहाँ पे उतरना है. फॉरन लोकेशन एंजॉय कीजिए. आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से बस मिलेगा. एनी बस यू कैन बोर्ड ये डाना बस है कुछ भी. और वो जो बस जो है रामायण महाभारत सेट बाहुबली सेट को लेके जाएगा. आपको बस चेंज करना है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच. सिटी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. मित्रांनो पहा खूपच सुंदर. अतिशय सुंदर मित्रांनो आएगा. पृथ्वीवरील खरंच स्वर्ग का म्हणतात रामोजी फिल्म सिटीला ते आज या ठिकाणी आल्यावर कळालं. खूपच सुंदर असं विहंगम दृश्य आणि खूपच सुंदर असं घर या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत आपल्याला. पाहू शकताय मित्रांनो खूपच सुंदर. शुभम आणि सोहम हे हरवून गेलेले आहेत आज. कसं वाटतंय तुम्हाला बाळांनो? खूप छान वाटतंय. कसं वाटतंय तुला बाळा? लगताय इथं तर हाय हाऊ आर यू व्हेरी गुड. नाचायचं इथे शादी है आज तो किसी की यहाँ पे. आगे पीछे देख सकते हैं पूरा शादी का सेटअप लगा हुआ है. वहाँ पे गाना वगैरह शुरू है और यहाँ पे हम थोड़ा सा डांस करके भी आए हैं. चलिए तो चलते हैं आगे देख लीजिए. सुंदर अशा कॉलनीची निर्मिती या ठिकाणी केलेली आहे. शांती निकेतन कॉलनी पाहू शकताय आपण. मैडम
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल। हॅलो, हाय, हाउ आर यू? विमानतळ आभासी व्हर्च्युअल एअर दुसऱ्या बसमध्ये बसलेलो आहोत आणि या ठिकाणी सिटीचं पुढचं वैशिष्ट्य पाहण्यासाठी आता आपण निघणार आहोत थोड्याच वेळात। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं रामायण महाभारत सेट देखने, उसके बाद साहस एडवेंचर पार्क, फाइनली वी गो टू बाहुबली सेट। साहस एडवेंचर पार्क देखने के बाद बाहुबली सेट, आपको दो बसेस चेंज करना है। और बाहुबली में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको लंच वगैरह रहेगा, तो आप लोग खा सकते हैं खाना वहाँ पे। खाना कहाँ खा सकते हैं? बाहुबली रेस्टोरेंट। ड्राइवर साहब आ गए। बाहुबली में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको दो बस चेंज करते। मित्रांनो, आता आपण निघणार आहोत महाभारत सेट पाहायला। रामायण महाभारत सेट आपल्याला या ठिकाणी आता पाहायला मिळणार आहे। आता आपण विमानतळावरून जस्ट निघलेलो आहोत। और देखिए राइट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं उस तरफ देखिए पार्किंग जोन है। यहाँ पे चार ऑटो लगाने से ऑटो स्टैंड हो जाता है, चार टैक्सी लगाने से ये टैक्सी स्टैंड हो जाता है। बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे हमारे हीरो साहब का कभी कभी फ्लाइट मिस हो जाता है तो यहाँ से टैक्सी पकड़ के घर चले जाते हैं। वो रावण मूवी में देख सकते हैं शाहरुख खान का फाइट सीन यहाँ पे शुरू हुआ था। तेलुगु फेमस मूवी रेबल, रेबल सीन मनोज रोजी प्रभास एंट्री सीन। ब्लैक कंपनी रोड कैसा दिख रहा है आपको? रोड के बारे में कोई नहीं, तो हमारे डायरेक्टर साहब इसे नेशनल हाईवे रोड बनाते हैं। नेशनल हाईवे रोड कैसा बनाते पता है आपको? नहीं। देखिए दोनों तरफ लैंप पोल से, इस लैंप पोल को हटा के यहाँ पे माइलस्टोन्स लगाते हैं। साइनेज बोर्ड मुंबई टू हैदराबाद 500 किलोमीटर, चेन्नई टू मुंबई 600 किलोमीटर, तो ये बन जाता है मुंबई नेशनल हाईवे रोड। चेजिंग, फाइटिंग सीन, किडनैपिंग और एस के बोनी का जो सीन्स होते हैं मूवीज में यहाँ पे शूट किया जाता है। जो नया जो पिक्चर आया है ट्रिपल आर देखे होंगे आप लोग, ट्रिपल सिन फ्यूचर है इस लोकेशन को। और राइट साइड पे देखिए साहस एडवेंचर पार्क, एशिया का फाइनेस्ट एडवेंचर पार्क है ये। और यहाँ पे सभी अलग अलग गेम्स है और सभी गेम जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, यू कैन एंजॉय हियर। रामायण महाभारत सेट देखने के बाद आपको यहाँ पे बस स्टॉप दिया जाएगा। लुक एट लेफ्ट साइड, कभी नहीं गए होंगे आप लोग इस तरफ, आपके लेफ्ट साइड में देखिए मोस्ट डेंजरस प्लेस इन वर्ल्ड। अंदर जाना है ऐसे भी वैसे करके अंदर जाना ही है, सेटिंग देखना है हमें। सभी को स्वागत है सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल, वेलकम टू द सेंट्रल जेल। देखिए राइट साइड में, आपके राइट साइड में देखिए सभी लोग शूटिंग समय में पूरा स्टैचू को निकाल के यहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट को खड़ा किया जाता है और यहाँ पे हीरो साहब को खड़ा किया जाता है। आपके राइट साइड पे देखिए तेरे नाम मूवी में सलमान खान का मेंटल हॉस्पिटल होता है ये। एंड लुक एट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड स्टूडेंट विमला नायक सिनेमा लो, कोमल कल्याण पुलिस स्टेशन, मलयालम मूवी सी हडी मूसा फ्लैश, यू कैन सी दिस लोकेशन, तमिल मूवी जय हिंद 2,
తెలుగు మూవీ నేనే రాజు నేనే మంత్రి జఫా ఖైదీ నంబర్ 1 లేటెస్ట్ అప్కమింగ్ మూవీ రావణ అసుర హిందీ మే వెబ్సైట్ మే హమారా రైల్వే స్టేషన్ హై వో ఆప్కో రైల్వే స్టేషన్ సే బస్ మిలేగా వో బస్ యహాన్ పే లేకే ఆయేగా ఔర్ ఆప్కే సామ్నే దేఖియే బిగ్ షూటింగ్ ఫ్లోర్స్ ముందుకు చూడండి బిగ్ షూటింగ్ ఫ్లోర్స్ पुष्पा मूवी तो सभी लोग देखे होंगे आप लोग जी सब लोग देखे ना जी जी देखा है और ये देखिए लेफ्ट साइड में देखिए इसी फ्लोर के अंदर गाना शूट हुआ है पुष्पा का तू मरना हुआ मावा वो बोले का जो गाना है यहाँ पे शूट हुआ है और स्वामी 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 शॉट दिया है बाहुबली मूवी तो सभी लोग देखे होंगे बाहुबली मूवी का जो वाटरफॉल सीन है ना इसी फ्लोर के अंदर सेटअप बनाए थे हमारे डायरेक्टर साहब राजमौली ने पिक्चर में तो आप लोग समुंदर देखे होंगे आप लोग सभी लोग सेट जो था ना इसी फ्लोर के अंदर बनाया गया था 40 टैंकर लगे हैं पानी के और राइट साइड में देखिए रावण मूवी का फेमस गाना छम्मक छल्लो इसी फ्लोर के अंदर गाना शूट हुआ है बड़े बड़े मूवीज के सेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं और तोड़ दिए थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अनुसार यहाँ पे सेट्स बनाते हैं उनके फिल्म के हिसाब से तो हमारे फिल्म सिटी में टोटल 10 फ्लोर है 5 एसी है 5 नॉन एसी है और ये आ गया हमारा रामायण महाभारत का सेट तो सभी लोग यहाँ पे उतरना है आपको वेलकम के लिए यहाँ पे दो कटाफा भी खड़े हैं तो सभी लोग यहाँ पे उतरने के बाद आगे रेलवे स्टेशन है वहाँ से बस पकड़ के आप लोग जाना है वहाँ से फिर दूसरा बस पकड़ के बाहुबली सेट थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच तर मित्रांनो या ठिकाणी एक आभासी रेल्वे स्टेशन सुद्धा बनवलेलं आहे या ठिकाणी आपण पाहू शकता की स्टेशनचं नाव मथुरा जंक्शन आहे या ठिकाणी एक ट्रेन सुद्धा आपल्याला लागलेली आहे प्लॅटफॉर्मवर ठिकाणी आपल्याला रेल्वेमध्ये बसायचं आहे एक एटीवी एक छोड़ के सभी एक्टिविटीज आपको फ्री में रहते हाँ एक कार वाला एक छोड़ के सभी एक्टिविटीज फ्री है तो एक्टिविटीज के लिए बस नंबर 66 में बैठिए सर एंड बाहुबली के लिए बस नंबर 59 फॉर बाहुबली सेट 66 फॉर साहस एक्टिविटीज
आम्ही जात आहोत आता मित्रांनो फिजिकल ऍक्टिव्हिटी साठी. ही बस आम्हाला घेऊन जात आहे फिजिकल ऍक्टिव्हिटी साठी. या ठिकाणी फिजिकल ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करायला मिळणार आहेत. चला बच्चा खाली उतरू या सर्वांनी. मम्मीला दोरीवर सोड्या मम्मीला. दूर नाही येते क्या चक्कर. आपण पाहू शकता या ठिकाणी खूप थंड अशी हवा अनुभवायला मिळते. बोला काहीतरी. इकडे आहे पप्पा. अरे और भी हाँ
सोम भगा। अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे आ गए देखो। अरे अरे दादिया काही कामाचं नाही। दादिया Adventurous. So we are enjoying lot of in this city. So Zorbi and zip line. Game's names are Zorbi and zip line. Zorbi and zip line. इतने बड़े बंदा आते केला कस वाटते। अरे वाह बहुत बढ़िया। खूब छान। आ गया 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 हा घ्या 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 सोडू नका त्याला काली सोडू नका बर का ओ भैया काली सोडू नका। दादा त्याला 5 मिनिट सोडू नका। कसं वाटतंय दादा दादा कसं वाटतंय दादा कसं वाटतंय हळू नाही आणि जोरात घ्या।
न्या वरती आनी आनी वरती कसं वाटलं रे हात पकड हात दे मना कर रहा हूँ बार बार ना सोम तू शाना का हाँ कसा वाटलं चला मजा आया मित्रांनो आता आपण सर्व फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करून पूर्ण झालेल्या आहेत आणि या ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करून आता आपण निघालेलो आहोत बाहुबली सेट कडे थोड्याच वेळात आपण जाणार आहोत बाहुबली सेट कडे बाहुबली चित्रपटाची शूटिंग या ठिकाणी झालेली आहे आणि हा सेट पाहण्यासाठी आज आपण रामोजी फिल्म सिटी मध्ये आलेलो आहोत सुपरहिट असा चित्रपट बाहुबली सेट आज आपण अनुभवणार आहोत चला तर आम्हाला खाली उतरायचं आहे हा सबस्क्राइब कर लेना तर मित्रांनो आज आपण आलेलो आहोत बाहुबली सेट या ठिकाणी रामोजी फिल्म सिटी मधील खूप मनमोहक असा हा सेट आहे ज्या ठिकाणी रामोजी फिल्म सिटी मध्ये या ठिकाणी बाहुबली या चित्रपटाची शूटिंग झाली होती आणि या शूटिंग मध्ये हा सेट निर्माण करण्यात आला होता तर हा सेट हा जो हा सेट आहे हा सेट आपण आता पाहायचा आहे चला तर मित्रांनो हा जो बाहुबली सेट आहे तो आता आपण पाहणार आहोत आपण सोबत यायचा पाहू शकता या ठिकाणी
तेजस रहे मानस दोस्तों। यहाँ पे आपको मिलेगा खाना, ये है बुकिंग काउंटर, बंगला आहे जो आपल्याला दिसतोय तो या स्टुडिओचे जे निर्माते आहेत रामोजी राव हे फिल्म निर्माते आहेत त्यांचा तो आता आपण बंगला पाहिला। आता आपण चिडियाघराकडे चाललेलो आहोत। या ठिकाणी चिडियाघर आलेलं आहे बहुतेक। सध्या रामोजी फिल्म सिटीचा हॉलिडे कार्निवल चालू आहे त्यामुळे आपल्याला खूप चांगले इव्हेंट्स या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। तर या ठिकाणी चिडियाघर आपल्याला पाहायला मिळत आहे। खूप सुंदर असा हा कार्निवल आहे। खूप सुंदर असं वातावरण या ठिकाणी आपल्याला अनुभवायला मिळत आहे। पण पाहू शकता
या ठिकाणी खूप सुंदर अशी बाग या ठिकाणी आहे. चिडियाघर तयार केलेला आहे. अतिशय सुंदर असं मनमोहक असं वातावरण रामोजी फिल्म सिटीमध्ये अगदी स्वर्गवत असं वातावरण या ठिकाणी आहे. खूप सुंदर असं वातावरण आहे. मनमोहक असं वातावरण आहे. आपण पाहू शकताय खूप सुंदर असं वातावरण या ठिकाणी पाहायला मिळते, आपल्याला अनुभवायला मिळते. या ठिकाणी बघा आपल्याला काय काय पाहायला मिळणार आहे. बटरफ्लाय म्युझियम, बटरफ्लाय गार्डन, बर्ड पार्क, कलर्स गार्डन, स्नॅक बार, असं विविध प्रेक्षीय ठिकाणं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. आपल्या बसनं या ठिकाणी सोडलेलं आहे. दिवसभर ही बस आपल्याला फिरवते मित्रांनो. आपण पाहू शकता की अतिशय प्रेक्षणीय अशी बाग या ठिकाणी निर्माण केलेली आहे. मित्रांनो, अतिशय निसर्गरम्य असं ठिकाण हे मला अनुभवतोय. अंदर जाते हैं, बटरफ्लाय म्यूजियम में आते हैं. देखिए दोस्तों, बटरफ्लाय जाती है नाव है असे बटरफ्लाय प्रकार. Wow, rainy season vibes, very good butterflies, a rainy surprise. Wow, this one very good. मित्रांनो, आपण आता जातोय बटरफ्लाय गार्डन मध्ये. या ठिकाणी आपल्याला विविध जातीचे बटरफ्लाय पाहायला मिळणार आहे. पाहूया प्रत्यक्ष जाऊन. वाव, खूपच सुंदर सुंदर चित्र पाठवले आहे. अगदी सुंदर फुलता. स्लोली
రైట్ खूपच सुंदर सुंदर अशी फुलपाखरं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मित्रांनो. वेगवेगळ्या जातीची आणि वेगवेगळ्या प्रकारची रंगीबेरंगी फुलपाखरं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खूपच सुंदर. तर मित्रांनो, आपण आता आलेलो आहोत बर्ड्स गार्डनमध्ये, बर्ड्स म्युझियम. तर मित्रांनो, आता आपण जातोय बर्ड्स म्युझियममध्ये. Wow, heaven on the earth, really amazing, amazing. बस सुंदर मित्रांनो, तुम पाहू शकताय पेंग्विन, पेंग्विन. राजहंस, राजहंस. मित्रांनो, पाहू शकताय अगदी स्वर्ग समान वातावरण या चिडियाघरमध्ये आहे, बर्ड्स गार्डनमध्ये आहे. पाहू शकताय आपण खूपच विहंगम दृश्य आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. अशा निसर्गरम्य वातावरणात या ठिकाणी हे म्युझियम आहे. शहामृग, खूपच मस्त असं या ठिकाणी पाहायला मिळतो आपल्याला पाण्याचा धबधबा. सुंदर स्वान्स, राजहंस पाहायला मिळत आहेत आपल्याला. खूपच सुंदर. Wow.
सुंदर मूर्ति आणि दाखवलेली आहे आणि त्यांचे अभिभावक चला मला तर खूप छान वाटतंय बाबा रामोजी फिल्म सिटी पैसा वसूल और असेच घोडे पळवत असतील ना पूर्वी सोम कस चलो रुक गया पकड़े रहना छोड़ना नहीं
मजा आ गया रे भाई, बहुत मजा आ गया। अरे बटरफ्लाई बक्सों।